हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नजर आती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, बहुत साल पहले की बात है कि एक शख्स सऊदी अरब गया। वहां पर मदीने में उसने एक अरब को देखा जिसका हाथ कटा हुआ था। तो इस शख्स के, जो कि हिंदुस्तानी शख्स था, इसके जहन में ये ख्याल आया, चूँकि उस ज़माने में सऊदी अरब में शरी सज़ाएँ नाफिज थी और वहाँ पर चोर का हाथ काट दिया जाता था। तो जब इसने उस अरबी शख्स का हाथ कटा हुआ देखा तो इसके दिल में ये ख्याल आया कि ये चोर है, इसने चोरी की होगी और उसकी वजह से इसका हाथ काट दिया गया। चुनाचे दिल ही दिल में उसके बारे में एक नफ़रत पैदा हुई और एक घिन सी आने लगी उससे। लेकिन कुछ देर के बाद जब उससे मुलाकात हुई और उससे बातचीत हुई, एक दूसरे का तारफ़ हुआ, तो उस अरबी शख्स ने बताया कि मैं यहाँ का, यानी मदीने के आसपास मेरी बहुत सारी ज़मीनें हैं और इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं कि उनमें 23 ट्यूब वेल लगे हुए हैं। एक ट्यूब वेल कई एकड़ ज़मीनों के लिए काफ़ी होता है, तो 23 ट्यूब वेल का मतलब था कि हज़ारों एकड़ ज़मीन थी उस शख्स की। और उसने बताया कि उस ज़मीनों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मैं लगाता हूँ और उनको फिर मदीने शहर में और मुख्तलिफ़ सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में फ़रोख करता हूँ। इस तरह उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो एक करोड़पति शख्स हैं। तो फिर वो जो शख्स था, हिंदुस्तानी जो शख्स था, वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने हैरानगी में फिर उससे पूछा कि आपका हाथ कैसे कटा है। तो उस अरबी शख्स ने बताया कि गालिबा 1967 में जो अरब इसराइल जंग हुई थी, उस जंग में यहूदियों के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए मेरे हाथ में 6 गोलियां लगी थीं, जिसकी वजह से मेरा हाथ नाकारा हो गया था और डॉक्टरों ने मेरे हाथ को काट दिया था। तो आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स का हाथ कटा हुआ देखकर हिंदुस्तानी शख्स ने उसके बारे में एक मनफी राय जो है अपने जहन के अंदर कायम कर ली और उसके बारे में ये सोच लिया कि ये चोर होगा और इसका चोरी करने के जुर्म में इसका हाथ काट दिया गया है। तो ये जो उसने अपने जहन में एक मनफी राय कायम की, तो ये किस वजह से हुआ? तहकीक ना करने की वजह से। जब तहकीक की तो बात सारी सामने आ गई। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है और शरीयत का भी यही हुक्म है, कुरान हकीम भी हमें यही हुक्म देता है कि बग़ैर तहकीक के किसी के बारे में कोई राय, मनफी राय ख़ास तौर पर कायम नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के बारे में बग़ैर तहकीक के मनफी राय कायम करेंगे तो उससे बहुत सारे यानी मसाइल पैदा होंगे। सबसे बड़ा मसला ये कि हम खुद बदगुमानी का शिकार होंगे और बदगुमानी करने से हमें अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मना किया है। और आप देखें कि उसने उसके बारे में ये राय कायम की कि वो चोर है, लेकिन हकीकत में वो चोर नहीं बल्कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह था। उस शख्स ने उसके बारे में ये राय कायम की कि ये दूसरों से लूटने वाला है, इसने दूसरों का माल लिया है, यानी ये दूसरों से लेने वाला है, हालांकि हकीकत में वो करोड़पति शख्स था, ताजर था और दूसरों को देने वाला था। तो बग़ैर तहकीक के राय कायम करने की वजह से इस तरह का यानी एक गलत और मनफी सोच जहन के अंदर पैदा हुई। तो इससे ये हमें पता चलता है कि किसी के बारे में भी बग़ैर तहकीक के हमें कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। इंसानी ज़िंदगी में हमें हर रोज़ इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ता है, इस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम तहकीक नहीं कर सकते, अगर तहकीक करने का हमारे पास वक्त नहीं है, तो हमें खामोश रहना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को जितना बोलना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए खामोश रहना है। अल्लाह हाफिज़।